राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी की AGM के औपचारिक सत्र की अध्यक्षता की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मानव सेवा के प्रति भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी का समर्पण, करुणा और निस्वार्थ भावना दूसरों को प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा में परोपकार को सबसे महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य माना गया है और उन्हें ये जानकर बेहद खुशी है कि भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी 100 से अधिक वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी के सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। देश के विभिन्न भागों से आए आप सभी स्वयं सेवकों तथा प्रतिनिधियों के बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। आज पुरस्कृत हुए सभी विजेताओं और रेडक्रॉस में कार्य करने वाले लोगों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। आज रेडक्रॉस की ओडिशा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा की 3 शाखाओं को पुरस्कृत किया गया है। साथ ही आज डॉक्टर अम्बाटी नटराज तथा डॉक्टर गोपराजू समरम को भी सम्मानित किया गया है। इन सब विजेताओं ने संस्थागत एवं व्यक्तिगत स्तर पर रक्तदान के पुण्य कार्यों में योगदान देने के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। भारत की परंपरा में परोपकार को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य माना गया है। पूरे समाज के कल्याण के लिए देहदान करने के उदाहरण हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। हमारी संस्कृति में नर सेवा को नारायण सेवा माना गया है। आज के पुरस्कार विजेता भारतीय संस्कृति में समाहित मानवता के कल्याण के ऐसे मूल्यों को चरित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि उनके कार्य से अन्य लोग और संस्थाएं भी प्रेरणा प्राप्त करते होंगे। आप सभी जानते हैं कि किसी भी हादसे या संकट के समय उपयुक्त और पर्याप्त मात्रा में ब्लड की आवश्यकता होती है। मुझे बताया गया है कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी देश भर में 100 से अधिक रक्तदान केंद्र और मोबाइल कैंपेन्स के माध्यम से जीवन रक्षा हेतु भारत की लगभग 10% रक्त संबंधी जरूरतों को पूरा कर रही है। जरूरतमंद लोगों के लिए सुरक्षित रूप से ब्लड कलेक्शन कर आप सभी उत्कृष्ट भूमिका निभा रहे हैं और स्वैच्छिक रक्तदान की संस्कृति को बढ़ावा देने में सहायता दे रहे हैं। मैं रक्तदान अभियान आयोजन करने, इसके लिए जागरूकता पैदा करने तथा पूरे देश में सुरक्षित और पर्याप्त रक्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में आपके प्रयासों की सराहना करती हूँ। आज भी कुछ लोगों के मन में रक्तदान को लेकर कई तरह की आशंकाएं बनी हुई है। लोगों को इस महान सामाजिक कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के लिए रक्तदान के बारे में आशंकाओं का गलत फहमिया को दूर करना जरूरी है। मैं चाहती हूं कि आप रक्तदान से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करें और सभी लोगों, विशेषकर युवाओं को अपने साथ जुड़े। भारत विविधताओं का देश है, विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इन्हीं विविधताओं को संयोजने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र हमें दिया है और मोदी सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि समाज में अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ पहुँचाया जा सके। आयुष्मान भारत योजना के जरिए देश में 1.60 लाख हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर का पूरा नेटवर्क तैयार किया गया है। आज इस मौके पर मैं भारतीय रेड क्रॉस के तमाम साथियों, स्वयं सेवकों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मोदी जी के स्वस्थ भारत के सपने को जिस तरह जिया है वो एक मिसाल है। रेड क्रॉस सोसाइटी आपदा में एक उम्मीद की तरह है। शुरुआत में इस संस्था का नाम इंटरनेशनल कमिटी फॉर रिलीफ टू द वाउंडेड रखा गया था। उसका नारा है फाइंड द वॉलंटरी इनसाइड यू, यानी अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने। कोविड के दौर में हमने देखा कि रेडक्रॉस ने हमारे सोसाइटी के लिए क्या क्या किया। राहत सामग्रियां पहुंचाई, इंटरनेशनल फंडिंग में मदद की। उस वक्त जब हम घरों में थे, रेडक्रॉस सोसाइटी के कार्यकर्ता बाहर अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी जान बचा रहे थे। रेडक्रॉस द्वारा समय समय पर रक्तदान शिविरों का आयोजन भी किया जाता है और लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक भी किया जाता है। यह संस्था लोगों को कैंसर, एनीमिया,
थैलेसेमिया जैसी जानलेवा बीमारियों से बचाव के तरीके के बारे में भी जागरूक करती है। जिन साथियों को, जिन इकाइयों को आज पुरस्कृत किया जा रहा है, मैं उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूँ और अपने अधिकारियों के प्रति सम्मान भी प्रकट करता हूँ। साथियों, इंटरनेशनल रेड क्रॉस को तो कई विश्व शांति पुरस्कार मिल चुके हैं। हमारी कामना है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी को भी विश्व शांति पुरस्कार मिले और हम हमारी मिसाल को दुनिया में कायम करें। जय हिंद। राष्ट्र सर्वप्रथम